शिंगो नदी का पानी हमारे लिए बहुत पवित्र है। इस पवित्र पानी से हम हिंदू सूर्य नमस्कार करते हैं और पाकिस्तानी लोग वजू करते हैं। नदी का काम तो बहना है, उसे तो पता भी नहीं है कि विभिन्न धर्मों के लोग जो इसका अलग अलग कामों के लिए उपयोग कर रहे हैं वो एक दूसरे की जान के दुश्मन है। नदी इन सब से अनजान है और उसका काम तो बेखबर बहना है और फिर समुद्र में मिल जाना है। सरहद के उस पार भी शायद कोई तन्हा भाई बैठा होगा, ऐसे ही विचार लिए। ये पंक्तियां उस वीर की है जो 27 साल की उम्र में कारगिल युद्ध में शहीद हो गया, जिसने बजरंग पोस्ट पर 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और कहा जाता है रक्षाबंधन भी इसी का प्रतीक है। फिर चाहे वो भारत माता हो या फिर बहन, और राजस्थान में एक बहन ऐसी भी है जो कारगिल वॉर में शहीद हुए अपने भाई कैप्टन अमित भारद्वाज की यूनिट को पिछले 25 सालों से लेकर आज भी राखी भेजती है। दरअसल शहीद अमित भारद्वाज की बहन देश रक्षा में लगे अपने भाई को राखी भेजती थी, लेकिन कारगिल युद्ध में उनके शहीद होने के बावजूद उन्होंने ये सिलसिला तोड़ा नहीं। पिछले 24 सालों से वो उनकी यूनिट के लिए राखी भेजती है। राखी के त्योहार पर देश भर में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। इस मौके पर आपको ऐसी बहन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इकलौता भाई देश रक्षा करते हुए देश पर कुर्बान हो गया। हम बात कर रहे हैं महज 27 साल की उम्र में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जयपुर के कैप्टन अमित भारद्वाज की। कैप्टन अमित भारद्वाज 17 मई 1999 को शहीद हुए थे। कारगिल शहीद अमित भारद्वाज की बहन सुनीता अपने भाई अमित भारद्वाज के शहीद होने के बाद पिछले 25 सालों से ना सिर्फ अपने भाई की फोटो पर राखी बांध रही है, बल्कि शहीद अमित भारद्वाज की यूनिट 4 जाट रेजिमेंट की पूरी यूनिट को वो इतने सालों से राखी भेज रही है। सुनीता नम आंखों से बताती है कि अब पूरी यूनिट ही उनको दीदी कहकर बुलाती है, बहन वाला प्यार और सम्मान देते हैं। शुरुआत तो अमित के जब अमित ने बलिदान दिया अपने देश सेवा के लिए, उसका जब लास्ट राइड्स जयपुर में हुए थे 15 जुलाई 1999 में, तो उसके एग्जैक्टली एक महीने बाद में राखी थी। तो मैंने कुछ लगा मुझे कि जब मैं यूनिट में राखी भेजती थी, मैंने कहा मेरा वो सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। मैंने उस टाइम 100 पीसेस राखी भेजे और उसके बाद से हमेशा से आज 25 साल होने को आए, 25वां त्यौहार है ये जो अमित के बिना है। बट लेकिन अमित के साथ साथ मुझे प्रेजेंस लगता है कि अमित है मेरे चारों तरफ, और वहाँ पर मुझे और भी हमेशा भाई मिले हैं जो मेरी राखी का सम्मान करते हैं। चाहे यूनिट ग्लेशियर में रही हो, चाहे पीस में रही हो, चाहे नागालैंड, कहीं जहाँ पे भी रही है यूनिट, हमेशा जो भी सीओ रहे हैं उन्होंने ये एक वो रखा कि हमेशा बंदे को, क्योंकि वहाँ राखी पहुँचाना मुश्किल होता था, तो जो बंदा को यहाँ पे राखी लेने तक के लिए उन्होंने हमेशा भेजा। जब यूनिट जयपुर में पोस्टेड थी 3 साल 2006 से 2009 तक, तो यूनिट के मंदिर में मेरा वहाँ जाना होता था, वहाँ मंदिर में राखी बंधवाई जाती थी और पूरा उन्होंने मतलब प्रॉपर उनका लेआउट होता था कि हाँ ये सब चीज़ें है। एंड आई एम प्राउड कि अमित प्राउड ऑफ द फौज बेसिकली, कि अगर फौज में भी आज भी अगर कोई नहीं होता है उसके परिवार वालों का, उनकी तरफ पूरा ध्यान रखा जाता है। आज अमित हमारे बीच नहीं है, बट अमित के रूप में मुझे बहुत सारे भाई हैं जो यूनिट से भी मुझे मिले हैं और मेरे एक कॉल पर वो सब तैयार। ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं। नमस्कार।